अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मुन्नी परदेसी और आप लोग देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मुन्नी परदेसी व्लॉग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और फिर स्टार्ट करते हैं आज का मज़ेदार व्लॉग। बहुत ही खूबसूरत एक पूल हमारे घर में नया नया जो है कि इसको 2 दिन हुए, चेक करें आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह सुबह एक जहाज जा रहा है, छोटा जेट तैयार है। क्या ही खूबसूरत मौसम है, बहुत ही खूबसूरत मौसम है सुबह सुबह। सूरज जो है कि बादलों के पीछे छुपा हुआ है और परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें हैं, बहुत ही खूबसूरत जो है कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं। आज इस तरफ से तो नहीं है लेकिन इस तरफ से हैं काफ़ी अच्छे खासे। इंशाल्लाह जो है कि आज फिर आपको अपने डेली एक्टिविटीज़ दिखाते हैं और जो है कि बाकी की चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो पौधे वगैरह हम ले के आए थे, इनको यहाँ सूरज पर डाल दिया गया और सूरज की गर्मी की वजह से, हरारत की वजह से ये जो है कि बिल्कुल छोटे छोटे पीस इसके करके जो है कि उन्होंने मज़ीद छोटे कर दिए। ठीक है, अभी जनाब ये कोई 2-3 दिन में जो है कि तैयार हो जाएगा तो फिर जो है कि वो इसकी जो है कि सब्ज़ी बनाते हैं या जो भी बनाते हैं। ये सेम इसी तरह ही है जिस तरह जो है कि पहले ज़माने में लोगों के पास फ्रीज़र नहीं होते थे, जब कुर्बानी का गोश्त होता था तो वो उसको जो है कि इसी तरह गर्म करके फिर उसके हार बना कर तो अपने मुख्तलिफ मकामात पर उसको सेव कर लेते थे। ये भी सेम वही चीज़ है, सेम वही प्रोसीजर है, मैंने जहाँ तक नोट किया सेम उसी तरह इसको गुजार लें तो फिर वो जब आपके मेहमान आते थे या जब जब आपको ज़रूरत होती थी उसके मुताबिक जाकर आप लोग जो है कि उसको खा लिया करते थे। तो इन्होंने भी इसी तरह किया और थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। वो जो है कि हम लोग कढ़ाई वगैरह में या किसी चीज़ में उसको जो है कि वो तकरीबन आधा पका हुआ होता था और उसके बाद जो है कि उसके हार बनाकर मुख्तलिफ जगहों पर रख दिए जाते थे। लेकिन ये है कि ये शुरू से ही उन्होंने जो है कि सूरज की रोशनी में इसको रखा है और वहाँ से ही ये सब कुछ हो रहा है इसका प्रोसीजर। हमारे पास एक साइकिल है, ये चाइनीज़ साइकिल है और इसका जो पिछला टायर है ना वो जो है कि फट गया, तो अभी इसका जो है कि रिपेयर करवाना है, उसके बाद जो है कि हमने इसको बेच देना है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे साइकिल के लिए, प्रॉब्लम नहीं है, इंशाल्लाह आपको भी दे देंगे। ये देखें माशाल्लाह फिश कर, हम थोड़ी सी और मछलियाँ भी लेके आए हैं, वो भी छोड़ दिया हमने। अभी जो है कि हम कम्प्लीटली तौर पर ये पानी वगैरह को चेंज करेंगे और इसमें बड़ी मछली भी है नीचे, तो वो ज़्यादातर नीचे ही रहते हैं, ऊपर कोई नहीं आती। ये एक पीस जो है कि ऊपर आया हुआ है, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। घर के अंदर ये छोटा सा जो है ना हमने तालाब बनाया हुआ है और इसमें जो है कि मछली वगैरह हैं बड़ी। ये देखें माशाल्लाह अभी 3 हो गई हैं, ये अभी जो है कि खाना वगैरह खाने की तलाश में निकली हुई हैं, पानी के अंदर चली गई है। ये देखें यहाँ ये थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन काफ़ी सारी हैं यहाँ पे अभी। तो इधर
साइड पे हैं भी काफ़ी सारी, तो माशाल्लाह घर की रौनक बनी हुई है। ये जरा बैक साइड है, बैक साइड व्यू है और सूरज जो है कि एक दफ़ा फिर बादलों के नीचे छुप चुका है। ये बैक साइड पे हमने जो है कि दरवाज़ा लगाया था और ये फर्नीचर यूज़लेस है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर इसको निकाल के बाहर रख दिया, नया आ गया अंदर सब कुछ। ये देखें, ये अगर आपके पास बर्ड्स हैं तो आप इसमें रख सकते हैं, कोई तोता छोटा तोते वगैरह। मैंने तो बहुत ज़्यादा रखे हुए थे घर, बहुत बड़ा पिंजरा भी बनाया हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता भी है। अभी हम लोग जाने लगे हैं, अली भाई का वेट कर रहे हैं, वो आ गए, चलते हैं और फिर रास्ते में आपको दिखाते हैं। गाड़ी में बैठ गए, जा रहे हैं अभी जॉब के लिए साइट पर, रास्ते में दिखाते हैं आपको। आज कोशिश करते हैं आपको हिरन दिखाएंगे, कल और परसों देखे हैं लेकिन टाइम शॉर्ट था जिस वजह से उनकी जो है ना वीडियो नहीं बना सकते। आज देखते हैं, अगर घूम फिर रहे हो तो आपको दिखाएंगे अभी या फिर वापसी पर इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह ऊँट ही ऊँट हर तरफ। ये जो बच्चा है ना, ये 2 दिन का है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का है, जो हो सकता है 4 दिन का हो। सफ़ेद है, देखें दूध पी रहा है, और अगर आप नोट करें तो तकरीबन हर ऊँटनी के साथ जो है कि एक बच्चा है। ये थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया है, ये देखें माशाल्लाह, वो अली भाई के काम देखें ये माशाल्लाह। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखाता हूँ कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इनके साथ कोई भी नहीं है, खुद ही जो है कि यहाँ से ये घास वगैरह खा के अपने घर चले जाएंगे, ये पीछे इनका घर है। तो ये सारा जो है कि सरा ही सरा है, इधर इधर जानवर खुले घूम रहे हैं, माशाल्लाह क्या खूबसूरत सीन है। सूरज भी आप देख सकते हैं, गड्डी हो गई हमारी पंचर, जो है कि साइड पे जाकर जो है कि पंचर लगवा लेंगे। दूसरी गाड़ी आई थी हमारी हेल्प करने, बाकी इसमें जिंदा भी है। ये तो मछली बड़ी जा रही आ गई है, जिंदा है, जिंदा जिंदा
जिंदा जिंदा छोड़ी हुई। ये जो स्कैफोल्डिंग वाले भाई दोस्त वीडियो देख रहे हैं ना, ये उनके लिए, ये सामान पड़ा है आपके लिए, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आके ख़रीद सकते हैं हमारी कंपनी से। ये अभी प्रोजेक्ट तकरीबन एंड हो चुका है तो इसको जो है कि अभी बेचेगा, बेच देंगे सब कुछ, फिर नए प्रोजेक्ट पे जाएंगे, फिर नए सिरे से खरीदेंगे। बस यही हो रहा है इधर। हम वहाँ से जो मछली लेके आए थे, क्या मछली ले? मर गया ऊपर जाएगा। सारा निकाल दिया यहाँ पर आके तालाब में छोड़ दिया यार, वो निकाल लो। मैं आज यहाँ अंदर आया हूँ इनको दाना शाना डालने। ये कबूतर हैं, ये मुर्गी हैं, इनके अंडे निकाले हैं, आज आपको दिखाते हैं। ये सब अंडे देता है मुर्गे के अलावा, सारी मुर्गी लोग अंडा देता है। और ऊपर ये कबूतर है, इन्होंने भी बच्चे शच्चे निकाला, वो बच्चे बैठे सामने, ये देखो। ये ऊपर कबूतर है माशाल्लाह, ये अभी अंडों पे बैठे हैं। और इधर एक चिड़िया ने भी अपना घोंसला बनाया। इनका अंडा है बेबर, इनका अंडे भी दिखाते हैं। इधर ऊपर एक कबूतर ने भी घर बनाया, वो भी अभी बच्चे वगैरह दे गए यहाँ पे। वो जो जंगल वाले कबूतर होते हैं काले रंग के, ये मुर्गी का अंडा है। और वो जो है ना, वो उस चीज़ का अंडा है, उसको हम पंजाबी में जलकुक्कड़ बोलते हैं। अभी मुझे नहीं पता उसको उर्दू में क्या बोलते हैं, आप लोग बताएगा कमेंट में इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अंडे दिए, अभी हम लोग अंडे खाएगा। अभी जो है कि मैंने चिकन को किचन में रख दिया, चिकन को किचन में रखा है। अभी आज जो है कि चिकन बनाएंगे इंशाल्लाह और खाएंगे। अभी असर की अजान भी होगी, अभी तक नमाज भी नहीं पढ़ी, नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह। उसके बाद जो है कि सारी वगैरह तैयार करते हैं, सारण वगैरह तैयार करते हैं। और आज का जो व्लॉग है इसको यहाँ पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।